नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप सबका स्वागत है विश्व शांति दर्शन में। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। दौड़ जुनून से मंजिल तक। 16 घंटों में 254 मेट्रो स्टेशन की यात्रा। पुणे में रंगोली का विश्व विक्रम। भारत और नॉर्वे का संयुक्त उद्यम। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़। भारतीय सेना में भर्ती होने के जुनून ने एक युवक के लिए उसकी मंजिल तक का सफर आसान कर दिया। देखते हैं ये प्रेरक खबर। भारतीय सेना में भर्ती होने का उसका जुनून था। रोजमर्रा के कामों से समय निकालकर सेहत बनाना उसके लिए संभव नहीं था। तब उत्तराखंड के अल्मोड़ा के इस 19 वर्षीय युवक ने नोएडा के अपने घर से काम की जगह तक 10 किलोमीटर की दूरी देर रात में दौड़कर पूरी करना शुरू कर दिया। ऐसे में फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने उसे भागते हुए कैमरा में कैद किया और प्रदीप मेहरा इंटरनेट के माध्यम से मशहूर हो गया। इतना कि उसका ये वीडियो एक निवृत्त सेना अधिकारी ने देखा और उसकी सहायता के लिए आगे आए। अब प्रदीप को सेना में भर्ती होने के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दोनों मिलेंगे। एक शख्स ने दिल्ली मेट्रो में सफर करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया। यह है प्रफुल्ल सिंह की कहानी। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कई अलग अलग तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। ऐसे ही लोगों के बीच अब दिल्ली में रहने वाले एक शख्स का नाम शामिल हो गया है। इस शख्स ने दिल्ली मेट्रो में सफर करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यह कारनामा करने वाले प्रफुल्ल सिंह दिल्ली मेट्रो में ही काम करते हैं। प्रफुल्ल सिंह ने 348 किलोमीटर नेटवर्क में फैले 254 स्टेशन की यात्रा पूरी की है। ये रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रफुल्ल ने 254 स्टेशन का सफर तय किया, जिसमें उनको 16 घंटे 2 मिनट और 17 सेकंड लगे। दिल्ली मेट्रो में ऐसा एक रिकॉर्ड पहले से ही दर्ज था। उस शख्स ने 16 घंटे 45 मिनट में सभी मेट्रो स्टेशन में सफर किया था। अब प्रफुल्ल ने 16 घंटे 2 मिनट और 17 सेकंड में दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन पर सफर करके उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को दर्शाती एक रंगोली प्रतिमा उनके जन्म स्थान पर बनी और दर्ज हुआ इस तरह की सबसे बड़ी रंगोली का रिकॉर्ड। तिथि के अनुसार मनाई जाने वाली शिव जयंती के अवसर पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की त्रिआयामी रंगोली को इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह जानकारी इस परियोजना के समन्वयक दर्शन फुलपगर ने दी। शिवनेरी किले के तल में शंकरराव बुट्टे पाटिल मैदान पर बनी इस विश्व विक्रमी रंगोली में छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि और शाही मुहर अलग अलग रंगों की रंगोली से बनाई गई है। महेंद्र मेटकर, भाग्यश्री देशपांडे, शेखर ददारे समेत 30 कलाकारों ने लगातार 3 दिनों तक 27,600 वर्ग फीट के क्षेत्र में यह रंगोली बनाई। इसके लिए 16,000 किलो रंगोली का उपयोग किया गया। आयोजकों को इस बात का प्रशस्ति पत्र दिया गया है कि यह रंगोली इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। इस रंगोली को देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ कई शिव भक्त भी बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। एक संयुक्त उद्यम के तहत भारत और नॉर्वे ओमान में एक अमोनिया परियोजना स्थापित करेंगे। इस सुविधा से सालाना 1,00,000 टन उत्पादन की उम्मीद है। भारत ने ओमान सल्तनत में बड़े पैमाने पर हरित अमोनिया निर्मित सुविधा के डिजाइन, विकास, निर्माण और संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम में निवेश करने के लिए नॉर्वे के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। सुविधा के पहले चरण में सालाना 1,00,000 टन ग्रीन अमोनिया का उत्पादन होने की उम्मीद है और इसे लगभग 3.8 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता के साथ 1 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, जो कि सौर पीवी संयंत्र के 5.5 गीगावाट द्वारा संचालित होगा। यह सुविधा दुकम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित होगी। संभवित रूप से सुविधा को बाद के चरण में उसी स्थान पर आगे बढ़ाया जा सकता है। लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के आकार का है दुनिया का सबसे बड़ा काजू का पेड़। आइए देखते हैं। क्या आप दुनिया के सबसे बड़े काजू के पेड़ के आकार की कल्पना कर सकते हैं? खैर, यह 2 एकड़ के एक चौका देने वाले क्षेत्र में फैला है या लगभग 3,281 वर्ग फुट का है। इस पेड़ के बारे में एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि यह एक छोटे से जंगल जैसा दिखता है और पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में
दुनिया के सबसे बड़े काजू के पेड़ के रूप में प्रवेश कर चुका है और इसका बढ़ना अभी बंद नहीं हुआ। इस पेड़ की शाखाएं लगभग 70 काजू के पेड़ों के आकार के केंद्रीय डाल से 50 मीटर तक फैले हुए हैं। ब्राजील में समुद्र तट पर एक पार्क में स्थित यह पेड़ दूर दूर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बना है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।